किसान भाई नमस्कार। धान की पनीरी बीजने का समय आपका बहुत सही चल रहा है और आपने से बहुत सारे लोगों ने पनीरी की बिजाई कर भी ली होगी। तो जो हमारी किस्म पूसा बासमती 1401 है, इसमें जो है पत्ती का झुलसा रोग जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट की बीमारी जिसको हम झोंका रोग बोलते हैं या गर्दन तोड़ बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा आती थी। इसका निदान करते हुए हमने एक नई किस्म निकाली है जिसको हम पूसा बासमती 1886 का नाम दिए हैं। इस किस्म में झोंका रोग और पत्ती का झुलसा रोग दोनों के लिए रोगरोधी क्षमता है, इसमें बीमारियां नहीं आएंगी। इसके पनीरी की बिजाई का सबसे उचित समय अब आपका इस समय चल रहा है और इसमें इस बात का ध्यान रखें कि बीज का उपचार जो है बावस्टिन दवाई से जरूर करें। पकाने के बारे में अभी एक समस्या के रूप में बताया गया, एक बहुत बड़ी समस्या है। होता क्या है कि पकाने में एक फफूंद लगता है जिससे कि जिब्रेलिक अम्ल बनता है और उसकी वजह से पौधे लंबे हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, बाद में जल करके सूख जाते हैं, उनका रंग भी हल्का पड़ जाता है, फिर वो सूख जाते हैं। तो इससे निदान करने के लिए 1401 में काफी मात्रा में आती है, 1509 में भी आती है और 1121 में भी आती है। सभी किस्मों में विशेष करके 1401 में और इसका सुधरा रूप जो 1886 है उसमें भी पकाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि पकाने के लिए रोगरोधी क्षमता नहीं इसके लिए। तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बावस्टिन को ले लीजिए और उसको जैसे मान लीजिए 6 किलो आपका बीज है तो 10 से 12 ग्राम बावस्टिन और उसको 10 लीटर पानी में घोल करके बीज को डुबो करके 24 घंटे की 1 ग्राम इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी डाल दीजिए। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 1401 का जो सुधरा रूप है 1886 उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें हमने पत्ती के झुलसा रोग के लिए रोगरोधी क्षमता डाली है। अगर 1401 लगा रहे हैं तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी जरूर डालिए आप। अब इसमें बीज को 24 घंटे आप डुबो करके रखिए। इसके बाद जब बीज अंकुरित निकाल करके बाहर और छाए में उसको जो है बोरी बिछा करके गीली बोरी उसके ऊपर रख दीजिए बीज को, फिर उसको गीली बोरी से ढक दीजिए और दिन में 3 बार 4 बार पानी उसके ऊपर छिड़किए। जब बीज अंकुरण हो जाता है उसके अंदर तो उसको बिजाई के लिए आप प्रयोग करते हैं। दूसरा बकाने से उपचार के लिए ये भी है कि पौध उखाड़ने के बाद अगर संभव हो सके तो बावस्टिन का घोल बना लीजिए उसी मात्रा में और उस घोल में कोई बड़ा सा गड्ढा जिसमें पॉलिथीन डाल करके पानी भर लीजिए और उसमें उखाड़ी हुई पनीरी को अगर रख दें तो जड़ों के अंदर जो है दवा चली जाएगी, उससे फिर इसका प्रकोप जो है बिल्कुल नहीं होगा। या दूसरा आसान तरीका यह है, कुछ किसान भाई जो अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि बावस्टिन को आप जो है पनीरी उखाड़ने के 3 दिन पहले 3 या 4 दिन पहले बावस्टिन को खेत में गीले बालू में मिला करके हल्का सा और उसमें छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद पानी लगा दीजिए तो इससे जो है इसका काफी अच्छा नियंत्रण हो जाता है। तो ये तो बात रही बीमारी के नियंत्रण की। अब रही खाद की बात, तो जो 1401 की सुधरी हुई किस्म 1886 इसमें नाइट्रोजन की मात्रा करीब आप 1.5 से लेकर 2 बैग यूरिया 1 एकड़ में। और किसान भाई ये निश्चित रूप से ध्यान रखें कि पोटाश जो है वो पौधे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है, इससे दाना बहुत अच्छा भरता है और जो पहिया निकलता है धान में उसकी मात्रा बहुत कम होती है, दाने में चमक आती है। तो करीब 30 किलोग्राम के आसपास म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से आप जरूर डालें। जहां तक रही बात फास्फोरस की, डाइअमोनियम फास्फेट की, तो वो मिट्टी की जांच के आधार पर, अगर आपकी मिट्टी में इसकी आवश्यकता नहीं तो डालने की जरूरत नहीं है। जिंक सल्फेट भी आप डालिए, वो आमतौर पर आप डालते होंगे, कम से कम एक फसल जो है धान की या गेहूं की उसके अंदर प्रयोग करेंगे तो इसका भी जो कमी के लक्षण है वो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अब इस समय अगर आप पनीरी इसकी बिजाई कर देते हैं और तो करीब करीब आप मान के चलिए कि 25 दिन की जब पनीरी हो जाएगी तो रोपाई के लिए उपयुक्त होगी, उस समय फिर इसकी रोपाई आप करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है 1886 की बढ़िया खेती करेंगे और इसके परिणाम अच्छे आएंगे। इससे विशेष रूप से हमारा जो यूरोपियन यूनियन में चावल का निर्यात बासमती का होता है जिसमें कई बार जो रसायनों के अवशेष आने के कारण हमारी खेप वहां से वापस हो रही थी वो नहीं होगी और किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। वैसे तो जैसे अगर आप इसकी पनीरी डालने के लिए इसकी अवधि जो है ज्यादा है, करीब करीब 155 दिन के आसपास का समय लग जाता है 1401 में भी 1886 में भी, तो इसको मई के अंत में यानी कि 25 मई के आसपास इसकी बिजाई अगर आप कर दें पनीरी की
और 10 जून तक तो जरूर कर लें, 10 से लेट करने पे फिर इसमें जो है आपको देर हो जाएगी, 10 जून तक इसकी बिजाई कर लें, और 10 जून को अगर बिजाई करते हैं तो करीब करीब 5 जुलाई के आसपास इसकी रोपाई आप कर देंगे, 25 दिन की पनीरी होगी, तो उसकी रोपाई करने से अच्छे परिणाम आते हैं। 1401 जो किसान भाई बताते हैं उसके हिसाब से इसकी झाड़ जो है काफी अच्छी आती है, कई बार 28 से लेकर के 30 क्विंटल एक एकड़ में करीब करीब पैदावार निकल जाती है, और इसके बराबर ही पैदावार 1886 की भी आएगी। 1509 का सुधरा हुआ रूप जो 1847 है वो भी करीब 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाता है, और हमारी ये संस्कृति रहती है कि जो कम अवधि में पककर तैयार होने वाली किस्में हैं उनकी बिजाई थोड़ी देर से करें आप। इसकी पौध अगर आप 20 जून के आसपास बिजाई करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं। 1692, 1847 और 1509 तीनों किस्में करीब करीब 115 से लेकर 125 दिन की हैं, और इनके अंदर ये एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि जो रुपाई के लिए पनीरी है वो 25 दिन से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर 25 दिन से ज्यादा उम्र हुई तो पैदावार में जो है बहुत कमी आना शुरू हो जाती है, तो इसको 20 से 25 दिन की पनीरी हो, स्वस्थ पनीरी हो, उसकी रोपाई कर दीजिए, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। रोपाई के एक तो 10 से 12 दिन बाद जब एक बार पौध खड़ी हो जाए, हरी हो जाए, उस समय यूरिया की आधी मात्रा दे दें, और इसके बाद दूसरा जो है करीब 25 या 30 दिन के आसपास रोपाई के बाद जब उसमें कल्ले फूटने लगते हैं उस समय दूसरी मात्रा इसकी दे दें।